इंडिया में ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनमें ऑफिशियली डेड किए गए इंसानों को अपनी आफ्टर लाइफ कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने उतरने में गुजारनी पड़ती है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो मरे नहीं जिंदा है। उन्हीं केसेस में से एक केस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो गेट रेडी टू लिसन द मोस्ट क्यूरियस केस ऑफ लिविंग डेड, अ लेजेंडरी टेल ऑफ भवल सन्यासी। तो कहानी की शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंट बंगाल में। इस समय पूरे देश भर में जमींदारी सिस्टम काफी एक्टिव थी। भवल स्टेट पूरे ईस्टर्न बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी और पुरानी जमींदारी थी, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट एंड इनकम। इस पूरे एस्टेट के सबसे वेल नोन जमींदार थे काली नारायण, जिन्हें ब्रिटिश अथॉरिटीज से रॉय या राजा का खिताब हासिल हुआ था। उनके बाद राजा बहादुर राजेंद्र नारायण रॉय ने इस पूरे जमींदारी का ठेका अपने ऊपर ले लिया था। He was a married man with one wife and six children, इंदुमयी, ज्योतिर्मयी, तरिणमयी नाम के इनके तीन बेटियां थी और राजेंद्र नारायण, रामेंद्र नारायण और रविंद्र नारायण नाम के इनके तीन बेटे थे। लेकिन 1901 में बदकिस्मती से राजा राजेंद्र रॉय की मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद अब भवल एस्टेट पर ब्रिटिशर्स की नजर मंडरा रही। अब जब भी किसी राजा की मौत होती तब उनके किंगडम या फिर इस केस में उनके एस्टेट की जिम्मेदारी उनके बेटे उठा लेते थे, पर इस केस में कुछ अलग हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इंडिया में एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स नाम की लीगल बॉडी क्रिएट की गई थी। अब इनका पर्पस बहुत ही इंटरेस्टिंग और फिशी था। जब भी किसी राजा या जमींदार की मौत हो जाती तो उनके एस्टेट्स को लॉफुली उनके वारिस को पास ऑन किया जाता था। उनका जो वारिस है वो माइनर हो, ऐसे सिनेरियो में उनके वारिस को और उनके एस्टेट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ वार्ड्स को दी गई थी। इस ब्रिटिश लीगल बॉडी ने राजा राजेंद्र रॉय के भवल एस्टेट को एक बार 1901 में और दूसरी बार 1904 में अपने कब्जे में किया, क्योंकि उनके 6 बच्चे उस एस्टेट को इंडिपेंडेंटली संभालने के केपेबल नहीं। एज अटेस्टेड बाय यूरोपियन ट्यूटर दैट वाज प्रोबेबली हायर्ड बाय द कोर्ट ऑफ वार्ड्स दैट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ राजा राजेंद्र रॉय वर अटर्ली इनअटेंटिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड मॉरल ट्रेनिंग। भवल एस्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लेकर इनडायरेक्टली अपनी पावर का डिस्प्ले किया। दिस वन डिसीजन वाज द मैटर ऑफ वरी फॉर एवरीवन इन ईस्टर्न बंगाल। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में रानी बिलस्मी देवी एक रे ऑफ होप की तरह उभर आई। उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया। 1905 में वो ये केस जीत भी गई और भवल एस्टेट फिर से तीन कुमार्स के ओनरशिप में चला गया। पर 1907 में हुए रानी बिलस्मी देवी के मौत ने जैसे भवल फैमिली के डाउनफॉल को मार्क कर दिया। अब भवल एस्टेट तीनों कुमार्स में इक्वली बढ़ गई थी। 1909 में सेकंड कुमार रामेंद्र रॉय अपनी वाइफ विभावती देवी, ब्रदर इन लॉ सत्येंद्र नाथ बैनर्जी और कुछ असिस्टेंट्स के साथ दार्जिलिंग में। अब इस एक डिसीजन ने भवल का फ्यूचर रूमर्स और कॉन्स्पिरेसी से भर दिया। कुछ रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि रामेंद्र रॉय साइफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए दार्जिलिंग गए। ऑन द अदर हैंड सम रिकॉर्ड्स से दैट द ट्रिप टू दार्जिलिंग वाज जस्ट फॉर अ चेंज ऑफ एयर। लेकिन इन दोनों रिकॉर्ड्स में एक बात कॉमन है, दैट इस ट्रिप में रामेंद्र रॉय की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उनकी वहीं पर मौत हो गई। द कॉज ऑफ डेथ वाज गॉलस्टोन। 25 साल के रामेंद्र रॉय को वहीं दार्जिलिंग में क्रिमेट करके उनकी वाइफ और कंपेनियंस अपने घर लौट आए, बट दे वर वेलकम्ड बैक होम विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूमर्स। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि रामेंद्र रॉय की मौत उन्हीं के वाइफ एंड ब्रदर इन लॉ ने लालच में आकर कर दिया। कुछ गलियों से ये भी खबर आ रही थी कि रामेंद्र को क्रिमेट ही नहीं किया गया, वहाँ मौजूद उनके असिस्टेंट्स जो इस पूरे वारदात के, इस पूरे इंसिडेंट के असली गवाह थे, उन्होंने भी ये बताया था कि क्रिमेशन के दौरान जब डेड बॉडी को अग्नि के सामने लाया गया वहाँ पर बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म आ गया और इस पूरे प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया। वहाँ मौजूद सारे लोग शेल्टर के लिए यहाँ वहाँ भटक गए, दौड़ने लगे और इसी वक्त शायद से उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया गया। इस तरह की बातें भवल की गली गली में सुनने को मिल रही थी, लेकिन सच क्या था इसकी खबर किसी को नहीं थी। 1910 में रानेंद्र रॉय यानी दी एल्डेस्ट कुमार ने अपने एक्सेसिव ड्रिंकिंग के हैबिट के वजह से अपने मौत को न्योता दिया। उनके 3 साल बाद 1913 में दी यंगेस्ट कुमार रविंद्र रॉय की भी मौत हो गई एंड नाउ द भवल एस्टेट वाज वारिसलेस, मतलब उनका कोई वारिस नहीं था जो इस खानदान को आगे लेकर जाएगा। तीनों कुमार के कोई बच्चे भी नहीं थे। ये बात वहां के लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर थी और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। द वारिसलेस भवल एस्टेट वाज टेकन ओवर बाय द कोर्ट ऑफ वार्ड्स इन 1950। इस टेक ओवर ने फिर से पूरे देश के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेज को बढ़ा दिया। भवल राज फैमिली ने भी इस डिसीजन को अपोज करके इस सिचुएशन को फिर से अपने फेवर में लाने की कोशिश की थी। द यंगेस्ट विडो ऑफ द भवल राज फैमिली रानी अनंदा कुमारी देवी ने डिसाइड किया टू अडॉप्ट अ सन एंड नेम हिम राम नारायण रॉय। भवल फैमिली का ये मूव काफी स्मार्ट था। दे अडॉप्टेड अ वारिस जो आगे जाके इस एस्टेट की ओनरशिप को अपने नाम कर सकता है और भवल एस्टेट ब्रिटिशर्स के चंगुल से छूटकर फिर से अपनी असली ओनर्स के पास आ सकता है।
आदत से मजबूर कोर्ट ऑफ वार्ड्स को इस डिसीजन के अगेंस्ट होना चाहिए था, पर सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने अडॉप्टेड वारिस को एक्सेप्ट किया ताकि उनके खिलाफ उठे आवाज शांत हो जाए। दोस्त अब तक सब कुछ ठीक हो रहा था, पर 1920 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बंगाल को हक्का बक्का कर दिया। याद है दूसरा कुमार जो मर गया था दार्जिलिंग में? रिटायर्ड कुमार हैपेंड टू हैव मिस्ड हिज होम इतना ज्यादा दैट ही डिसाइडेड टू रीअपीयर इन ढाका। और एटलीस्ट द पीपल सेड वो इंसान एक सन्यासी के वेश में जरूर था, लेकिन उसके पास से गुजर रहा हर एक लोकलाइट उसे पीछे मुड़कर देखने लगा। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा उनके दूसरे कुमार से बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था, मेल खा रहा था। वो दिखने में रमेंद्र रॉय की जैसा लग रहा था, लोग उसे पहचान रहे थे, लेकिन उस सन्यासी ने शुरुआत में खुद की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि उस सन्यासी को भवल राज फैमिली या उनके एस्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, दैट ही हैड कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेमोरी। रमेंद्र रॉय फिर से लौट आए, ये बात भवल राज फैमिली तक पहुंची। उस फैमिली ने सन्यासी से मिलने का पूरे अरेंजमेंट्स किए। उस सन्यासी के वहां पहुंचते ही भवल एस्टेट के सारे लोग खुश हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सन्यासी के वेश में उनके दूसरे कुमार लौट आए। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट वॉज नॉट दैट सिंपल। भवल फैमिली ने पहले उस सन्यासी को एक्सेप्ट नहीं किया। They believed in the fact that their कुमार was cremated in Darjeeling and this man was a fraud. इस डाउट को एम्पलीफाई करने का काम वो सन्यासी खुद कर रहा था, just by staying quiet and not identifying himself as a कुमार। पर उसकी रिजेंबलेंस की वजह से भवल एस्टेट में काम करने वाले हर एक पेजेंट सन्यासी को ही अपना कुमार मान रहे थे, जमींदार मान रहे थे और उन्हें रेंट देने लग गए थे। पर इस सब के बावजूद एक दिन अचानक से उस बंदे को, सन्यासी को, याददाश्त आ गया। लौट आई उसकी याददाश्त और फिर से उसने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया एज द सेकंड कुमार ऑफ भवल फैमिली। उस सन्यासी ने ये क्लेम किया कि दार्जिलिंग में उन्हें पॉइजन दिया गया था, लेकिन वहां के नागा सन्यासी ने उनकी जान बचा ली। इतने सालों से वो उस नागा सन्यासियों के साथ दर बदर भटक रहे थे क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई थी, उन्हें कुछ याद नहीं थी। ये पूरी स्टोरी रामेंद्र रॉय की वाइफ रानी विभावती देवी को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। शी कॉल्ड द सन्यासी हु क्लेम्ड टू बी हर हस्बैंड अ ग्रीडी इम्पोस्ट एंड सो बिगन द वॉर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड कुमार ऑफ भवल। तो दोस्त अब 1933 में रामेंद्र रॉय ने ढाका कोर्ट में टाइटल सूट फाइल कर दिया। उनके केस को बैरिस्टर बीसी चटर्जी पन्नालाल बोस के कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस केस में लिटरली हंड्रेड्स ऑफ विटनेसेस कोर्ट में आए और अपना बयान देकर चले गए। रविंद्र रॉय ने ये डिक्लेयर किया कि इतने सालों से वो अपने ब्रदर इन लॉ सत्येंद्र नाथ बैनर्जी के इविल प्लान के विक्टिम बन गए थे। उनके हिसाब से सत्येंद्र नाथ रविंद्र रॉय को अपने रास्ते से हटाकर अपनी बहन विभावती देवी के थ्रू भवल एस्टेट के 1/3 शेयर्स को कंट्रोल करना चाहते थे। इस पूरे प्लान को, इस पूरे साजिश को रियलिटी में बदलने के लिए सत्येंद्र नाथ ने उनके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर आशुतोष दास गुप्ता को इन्वॉल्व किया था। डॉक्टर रविंद्र रॉय को साइफिलिस नाम की बीमारी थी और उन्हें उनके कॉन्स्पिरेटर्स से मिलकर दार्जिलिंग जाकर ट्रीटमेंट लेने के लिए सक्सेसफुली कन्विंस किया गया था। इनफैक्ट रामेंद्र के हिसाब से वो दार्जिलिंग में ऐसी जगह पर थे जहां से फ्यूनरल ग्राउंड काफी नजदीक भी था, फिर उन्हें वहां पर पॉइजन करके डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर हायर्ड टू क्रेमेट हिज बॉडी, लेकिन रामेंद्र रॉय के बॉडी को कभी अच्छे से आग मिली ही नहीं। हेल स्टॉर्म की वजह से क्रेमेटोरियम में काम करने वाले लोगों ने उस प्रोसीजर को आधा अधूरा छोड़ दिया था। 1909 से लेकर 1920 तक वो नागा सन्यासी के साथ ही थे। उनकी याददाश्त 1920 में लौट आई थी जिसकी वजह से वो ढाका पहुंचे। बट ही हैड नो प्लान टू गो बैक टू द सेकंड कुमार ऑफ भवल राज फैमिली, लेकिन एक के बाद एक हो रहे इवेंट्स की वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने का फैसला कर लिया। इस पूरे केस में अलग अलग विटनेसेस अलग अलग बातें बता रहे थे जिससे कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। क्या वो सन्यासी सच में रामेंद्र रॉय था या सिर्फ एक लालची इंसान था जो सिर्फ दिखने में कुमार जैसा था? इस बात को प्रूव करने के लिए हैंडराइटिंग, फोटोज, बर्थमार्क सब कुछ चेक किया गया। रामेंद्र रॉय के अक्वेंटेंसेस से भी स्टेटमेंट्स लिए। जज पन्नालाल बासु ने 24 अगस्त 1936 को जाकर इस केस का वर्डिक्ट पब्लिकली डिक्लेयर किया। द जजमेंट वॉज इन द फेवर ऑफ रामेंद्र रॉय। लेकिन कुछ महीनों बाद अक्टूबर में ही गवर्नमेंट ने फिर एक बार इस जजमेंट के खिलाफ कलकत्ता कोर्ट में अपील फाइल की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब ये डिमांड किया कि इसके पहले हुए ढाका कोर्ट ट्रायल में जितने भी एविडेंसेस थे उन्हें प्रिंट किया जाए, तो करीब 11,000 से भी ज्यादा पेजेस जितनी इंफॉर्मेशन सामने आई। 3 जजेस ने इस केस के लिए एक स्पेशल बेंच बनाई और वहीं पर पुराने लॉयर्स ने अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट किया। यार फिर एक बार वॉर ऑफ आइडेंटिटी कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा था। हियरिंग्स फॉर दिस केस कंक्लूडेड ऑन 14th अगस्त 1939। स्पेशल बेंच के 2 जजेस के जजमेंट्स रामेंद्र रॉय के फेवर में। सिंस द मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, द कोर्ट ऑफ वर्ड्स वर क्रिटिसाइज्ड फॉर एवरीथिंग एंड द अपील वाज फाइनली डिसमिस्ड। बात यहाँ पर आकर रुकी थी। विभावती देवी और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मिलकर 1943 में ये केस को लंदन के प्रिवी काउंसिल तक पहुंचाया था, लेकिन समय उनके साथ ही नहीं था दोस्त। द डैमेज कॉज्ड बाय WWII वाज एट इट्स पीक।
और उसकी वजह से फाइल किए हुए अपील का जजमेंट डिले होते जा रहा। पर फाइनली 1946 में प्रीवी काउंसिल ने भी ये अपील डिसमिस कर दिया। इस जजमेंट के बाद पूरा बंगाल खुशियों से झूम उठा। दे वर सेलिब्रेटिंग द रीबर्थ ऑफ द सेकंड कुमार रामेंद्र रॉय हु हैड लॉफुली रिगेन्ड हिज आइडेंटिटी। लेकिन उसके दूसरे ही दिन जब वो मंदिर जा रहे थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, तब स्ट्रोक की वजह से उनकी मौत हो गई। इस इंसिडेंट को एड्रेस करते हुए उनकी पत्नी विभावती देवी ने ये कहा कि रामेंद्र रॉय का नाम अपनाकर लाखों लोगों के सामने झूठ बोल रहे ढोंगी को आखिर भगवान ने सजा दे दी। विभावती देवी ने स्टेट के इनहेरिटेंस जो उस समय करीब 8 लाख जितना था उसे रिजेक्ट कर दिया। भवल राज फैमिली के इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी की किताब रामेंद्र रॉय के डेथ के साथ बंद हो गई। लेकिन आज भी ये केस लॉ स्टूडेंट्स अपने किताब में छपा पाते हैं। एंड इट्स आल्सो अ ग्रेट एग्जांपल फॉर देम इन केसेस ऑफ पॉसिबल मिसआइडेंटिफिकेशन एंड द नीड फॉर साइंटिफिक डेटा एंड एविडेंस गैदरिंग मेथड्स। दिस इनफेमस केस फैसिनेटेड नॉट जस्ट द पीपल ऑफ बंगाल बट द एंटायर कंट्री। ये केस एक तरह का बंगाल का फोकलोर ही बन चुका है। कई राइटर्स और पोएट्स ने इस केस के अराउंड कई स्टोरीज और प्लेज लिखे जो आज भी भवल राज फैमिली के इस कॉन्ट्रोवर्सी को जिंदा रखा हुआ। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। कहानी इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं ये भी कौन सेक्शन में बताएं। और चैनल सब्सक्राइब करो यार, अब तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो। 1 मिलियन हो गया फॉलोअर, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू और समवन विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।